और जिस घर में बेटियां होंगी उस घर में खुशहाली होगी, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोई परिवार इतना मजबूर भी हो सकता है कि उसे अपनी फूल सी नाजुक बेटियों को जंजीरों से बांध कर रखना पड़े। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच है, एक हकीकत है। वो सच जो न सिर्फ एक मजबूर परिवार के दर्द की दास्तां बयां करता है बल्कि उन बेटियों के बारे में भी बताता है। देखिए इस रिपोर्ट को। बेड़ियों में बेटियां, समाज के डर से बेटियों को पहनाई बेड़ियां, रस्सी में बंधी बेटियों की जिंदगी, पंख होते तो उड़ आती रे। राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर यूपी के बुलंदशहर में एक परिवार अपनी बेटियों को जंजीर में बांध कर रखने को मजबूर है। देख और सुनकर भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये वाक्य 16 आना सच्चा है। जंजीर और रस्सी में बंधी जिन दो युवतियों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो सगी बहनें शहनाज और नाजरीन हैं। शहनाज और नाजरीन की इस हालत को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। कांपे भी क्यों ना, क्योंकि समाज और सरकार जिन बच्चियों को पंख देने की बात करता है वो बच्चियां बेड़ियों से जो जकड़ दी गई हैं। तस्वीर देखकर आप इन बच्चियों के दर्द को जान चुके होंगे, लेकिन इस तस्वीर के पीछे का एक और सच भी है, और वो सच है जंजीरों में बंधी शहनाज और नाजरीन की मानसिक कमजोरी, जिसके चलते पिता की दलील है कि दोनों बहनों को सुबह से शाम तक जंजीर और रस्सियों में बांध कर रखा जाता था ताकि ना समझ दोनों बहनें घर से बाहर ना निकल पाएं। जवान हो चुकी बेटियों की आबरू और समाज के बीच छुपी कुछ हैवान निगाहों के साए से घबराया परिवार, ना समझ बेटियों की सुरक्षा की चिंता सताती रहती है, बल्कि किसी अनहोनी का डर इस परिवार को हर रोज खौफ ज़दा रहने को मजबूर करता है। जमाना खराब है, कहीं कहीं चली जा मैं, इसलिए इनकी हिफाजत कर देती हूँ। समझदार नहीं है क्या बच्चे? ऐसे समझदार नहीं है। क्या दिक्कत है? उनका दिमाग बचपन से कुछ ऐसा ही है। तो घर में कुछ ये तोड़ फोड़ मारपीट करते हैं क्या किसी के साथ? तोड़ फोड़ भी कर देते हैं ये बच्चे, इसलिए कहीं निकल गए तो फिर निकल गए, फिर ढूंढ लिया पड़ता है बच्चों को। अभी तक किसी परिजन को चोट पहुंचाई है उन्होंने? पड़ोस में ऐसा किसी को भी मारा तो है नहीं। घर में आपस में मार लेना है दूसरे को। हालांकि एक समाचार पत्र के जरिए खबर जिला प्रशासन के सामने आने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट विवेक मिश्रा और डिप्टी सीएमओ पुलिस बल के साथ नाजरीन और शहनाज के घर अकबरपुर पहुंचे और उनको एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले आए। फिलहाल जिला अस्पताल में दोनों बहनों का उपचार किया जा रहा है। भूल चौराहे के पास एक अकबरपुर गांव है, यहां नफीस की दो लड़कियां हैं शहनाज और नाजरीन, जिनमें से एक की उम्र 18 साल है और एक की उम्र 22 साल है। कल इनकी मदर जो है हमारे कार्यालय में आई थी, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी दोनों लड़कियां जो है मानसिक रूप से अविकसित हैं और जो है उनको घर के अंदर न बंद करके रखा जाए तो बाहर जा करके नाली से भी गंदा चीज़ उठा करके खा लेती हैं। तो कल हमने उनको कहा था कि उन दोनों लड़कियों को लेकर के सीएमओ ऑफिस आएँ, उनका जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा दिया जाए और उसके आधार पर उनका पेंशन का फार्म भरवा करके पेंशन स्वीकृत करा दिया जाए। लेकिन उनकी मदर ने कहा कि उनकी स्थिति खराब है, एक बार जो है आप चल करके देख लीजिए। तो उसी क्रम में आज मैं और डिप्टी सीएमओ साहब और एसएचओ महिला को लेकर के जो है वहाँ मौके पे गया था। तो उनकी हालत ख़राब थी, दोनों मानसिक रूप से अविकसित हैं और उनको तत्काल एम्बुलेंस से जो है ले आ करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और कल उनको आगरा जो है जो मानसिक केंद्र है वहाँ जाँच के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित बच्चियों के परिवार को हर संभव मदद देने का दावा किया जा रहा है, साथ ही बच्चियों के इलाज के लिए भी जिला प्रशासन हर मुमकिन कदम उठा रहा है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या ये बहनें सामान्य जीवन जी सकेंगी और क्या इन बच्चियों को वो सब मिल सकेगा जो इस समाज के आम इंसान को मिलता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि जिला प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को किस तरह की मदद दी जाती है। बुलंदशहर से
के न्यूज के लिए अनिल तोमर की रिपोर्ट।